गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने 5.2 का बेसिक कर लिया था, जिसमें आव्यूह विधि देख ली थी क्या होती है, क्रैमर नियम देख लिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। अब इसके देखते हैं 5.2 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, सारणी की सहायता से निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसकी सहायता से? सारणी की सहायता से। फर्स्ट दिया है इसमें, जिसके शीर्ष देखते हैं फर्स्ट के 2.5 -2.-3 तथा 6.0। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट है, दो पार्ट स्वयं करोगे, फर्स्ट पार्ट में आपको इसमें करवाया जाए। तो देखो ये तीन चीज देखते हैं त्रिभुज के, और सारणी की सहायता से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो ये हम मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसको एक चीज को नाम देते हैं ए बी और सी, ये नाम दे दें। अब ए के निर्देशांक है 2.5, दूसरे के है -2.-3, तीसरे के है 6.0। ये त्रिभुज है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? सारणी की सहायता से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी की सहायता से, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, यही फॉर्मूला लिखवाया था सारणी में। अब देखो x1 y1, अगर आप निर्देशांक x1 इसमें से उठा रहे हैं तो y1 भी इसी में से ही होगा, अगर x1 इसमें से उठा रहे हैं तो y1 भी यही होगा। इस प्रकार से इसको मान लिया x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो वैल्यू रखते हैं यहां पर इसमें 1/2 x1 y1 2.5 और ये 1 फॉर्मूले में लिखवाया था, x2 y2 -2 -3 और 1, फिर x3 y3 6 0 1। अब इसको सारणी को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/2 देखो यहां पर पहले ये प्लस का है 2 इंटू सारणी। अब यहां पर ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल, तो क्या गया -3 1 0 1। फिर दूसरा किसका था इसमें प्लस माइनस, माइनस के 5। अब इसमें 5 यहां पर है तो ये कॉलम कैंसल और ये फर्स्ट रो कैंसल, -2 1 6 1 -2 1 6 1। फिर थर्ड इसमें प्लस 1, अब यहां पर है तो ये इसमें कॉलम कैंसल ये रो कैंसल, तो -2 -3 6 और 0, -2 -3 6 0। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो यहां पर इसमें इक्वल में चल रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/2 2 इंटू -3 इंटू 1 -3, इसको यहां ब्रैकेट मंजिला ब्रैकेट का -3 1 इंटू 0 0, फिर -5 -2 इंटू 1 -2, फिर माइनस का साइन 1 इंटू 6 6, फिर प्लस 1 इंटू, यहां लिख लेते हैं इसको -2 इंटू 0 0, फिर -3 इंटू 6 -18 और ये -(-) क्या हो जाएगा +(+). आगे सोल्व करते हैं तो 1/2 2 इंटू -(-3), फिर -5 इंटू -2 और -6 -(+), फिर प्लस 1 इंटू 0 प्लस 18 18, 1/2 2 इंटू -3 -6 -(-)+ 5 इंटू 8 40 + 1 इंटू 18 18, तो 1/2
40 प्लस 18 58, 58 माइनस 6 कितनी होगी 52, प्लस के 52, तो 2 2 4 2 6 12, तो कितना आ गया 26 वर्ग इकाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना है 26 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से इसका आप सेकंड और थर्ड करोगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सारणिक का प्रयोग कर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल कितना आ गया 26 वर्ग। दूसरे क्वेश्चन में दिया है सारणिक का प्रयोग कर शेष देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और ये बताना है क्या बिंदु दिए गए बिंदु संरेख है। देखो बिंदु संरेख कब होते हैं, जब तीन बिंदुओं से, जब तीन शीर्ष बिंदुओं से कोई त्रिभुज गुजर रहा है और उसका क्षेत्रफल कितना आ जाए शून्य आ जाए। जब तीन बिंदुओं से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए शून्य, तो वो बिंदु संरेख होते हैं, नहीं तो वो बिंदु संरेख नहीं होते। तो सेकंड क्वेश्चन में सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर शीर्ष दिए हैं हमें, सॉल्यूशन ही देखते हैं इसका। शीर्ष दिए हैं इसमें 1 4 2 3 और -5 -, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको क्या मान लिया सी। अब इस त्रिभुज का सबसे पहले उसने बोला है सारणिक के प्रयोग से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आपने बताना है वो संरेख है ये तीनों बिंदु या संरेख नहीं है, और संरेख कब होते हैं जब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए शून्य। तो देखो यहां पर इसमें सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 वैल्यू रख देते हैं यहां पर 1/2 x1 y1 1 4 1 x2 y2 2 3 फिर यहां पर फॉर्मूले में क्या है 1 x3 y3 -5 -3 और 1। अब इस सारणिक को सोल्व कर लेते हैं, तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल चल रहा है 1/2, पहले यहां पर ये 1 प्लस का, देखो अब ये कैंसिल इनको लिखेंगे तो मैं यहां इनका मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं 3 × 1 3 फिर माइनस का साइन 1 × -3 -3 लेकिन -(-) क्या हो गया प्लस का 3, फिर प्लस माइनस -4 × ये कैंसिल और ये भी कैंसिल तो 2 × 1 2 फिर माइनस का साइन 1 × -5 -5 और -(-) +5 फिर प्लस 1 × ये कैंसिल 2 × -3 -6 फिर -3 × -5 -15 -(-) +8। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 1/2 1 × 6 -4 × 2 + 5 7 हो गई, फिर प्लस 1 × -6 + 15 तो +9। इसको सोल्व करते हैं आगे, तो 1/2 त्रिभुज इक्वल 6 − 4 × 7 = 28 + 1 × 9 9। तो यहां से हमारे पास ये कितने आ गए इसमें 6 + 9 कितने होते हैं 15, तो 15 - 28 तो 28 में से 15 कटाई कितने रहेंगे -13। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल -13/2। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो कितना लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल +13/2 कितना आ गया 13/2 वर्ग इकाई। अब उसने इसी में क्वेश्चन पूछ रखा है दिए गए बिंदु संरेख है या नहीं, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 13/2 अगर शून्य आता तो ये संरेख होती, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं।
क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है। यहाँ पर आप ये भी लिखा सकते हो माइनस 13 बटे 2 का मापान, इसमें वैल्यू क्या आती है हमेशा बाहर निकलती है 2 प्लस क्यू। अब देखते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? k की वैल्यू ज्ञात करनी। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने दे रखा है और शीर्ष बिंदु दे रखे हैं और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी। k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करो। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग का ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग का ही है? 35 वर्ग का, ये भी बोल दिया उसने। फिर आगे इसने क्या दिया? जबकि शीर्ष k कोमा 4, शीर्ष दे रखे हैं इसमें k कोमा 4, दूसरा शीर्ष दिया इसमें 2 कोमा माइनस 6 और 5.4, ये शीर्ष हैं। k का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है। तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या दिया है हमें? एक त्रिभुज दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 35 वर्ग का ही। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 35 वर्ग। शेष दिए हैं k को मान 4, फिर दूसरा शेष इसमें 2 कोमा माइनस 6 और तीसरा शेष है 5.4। इसको मान लेते हैं a b और c। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलता है हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में क्या देता है? प्लस माइनस 35 वर्ग। क्या देता है? प्लस माइनस 35 वर्ग। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 x1 by 1 x2 by 2 1 x3 by 3 1 इक्वल में प्लस माइनस 35। ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो अब इसके बाद यहां पर क्या करोगे? इनकी x1 y1 ये शीर्ष वाले मान रखते हैं, तो क्या आ गए यहां से हमारे पास 1/2 यहां पर भाग लिया इधर किसने चलाया अपना में, तो 35 इंटू 2 ये कितने बजेंगे? 70। तो x1 y1 k 4 1 ये लिखिए। x2 y2 2 - 6 1 x3 y3 5 4 1 इक्वल में प्लस माइनस 35 और ये भाग में है तो इधर किसमें चलेंगे? गुना। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं, आप सोल्व कर लेते हैं इस सारणी को। तो क्या आता है हमारे पास यहां से? इस सारणी को सोल्व करते हैं तो पहले तो प्लस था के, अब ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, के यहां पर है, के की सीध वाली ये रो छोड़ दो, ये कॉलम -6 1 4 1 -6 1 4। फिर माइनस दूसरा ये किसका होगा? 4 माइनस यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 4 यहां पर है, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 1 5 1 2 1 5। फिर आगे प्लस 1 प्लस 1 फिर आगे यहां पर है, ये कॉलम छोड़ देते हैं, ये रो छोड़ देते हैं, 2 - 6 5 4 2 - 6 5 4 2 - 6 5 4 और इक्वल में क्या करना है इसके? प्लस माइनस 35 इंटू 2 कितने होंगे? 70। देखो इस सारणी को सोल्व करते हैं तो k माइनस 6 इंटू 1 माइनस के 6 4 इंटू 1 4 फिर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 2 1 इंटू 5 5 फिर प्लस 1 2 इंटू 4 8 फिर माइनस माइनस 6 इंटू 5 30 माइनस के और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 30 और इक्वल में प्लस माइनस 70। तो k इंटू
माइनस छह माइनस चार माइनस के दस, फिर माइनस चार प्लस दो माइनस पांच माइनस के तीन, फिर प्लस एक आठ प्लस तीस अड़तीस इक्वल में प्लस माइनस सत्तर। तो के इंटू माइनस दस, माइनस दस के माइनस चार इंटू माइनस तीन प्लस के बारह, फिर प्लस एक इंटू अड़तीस अड़तीस और प्लस इक्वल में प्लस माइनस सत्तर। तो माइनस दस के प्लस बारह प्लस अड़तीस पचास इक्वल में प्लस माइनस सत्तर। अब देखो एक बार वहां पे वैल्यू प्लस की ले लेंगे एक बार माइनस की, तो माइनस दस के इक्वल में प्लस माइनस सत्तर, ये प्लस के पचास उससे जाके माइनस के पचास। तो देखो एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार किसका लेंगे इसमें माइनस। तो देखो यहां पर पहले क्या करते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने का, पहले क्या ले देते हैं सत्तर को प्लस का। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो ये माइनस के दस के, तो माइनस दस के इक्वल में प्लस के सत्तर माइनस पचास। तो माइनस दस के इक्वल में सत्तर माइनस पचास बीस, के गुणा में माइनस दस इधर बाद में चलेंगे, तो के इक्वल बीस बटे माइनस दस, जीरो से जीरो कैंसल, तो के इक्वल क्या आ गया माइनस का दो। ये तो आया धनात्मक चिन्ह लेने पर। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो क्या आ जाएगा यहां से माइनस दस के इक्वल में माइनस के सत्तर माइनस पचास। तो माइनस दस के इक्वल में माइनस के एक सौ बीस, माइनस से माइनस कैंसल, तो के इक्वल एक सौ बीस बटे दस, जीरो से जीरो कैंसल, तो के इक्वल कितना आ गया बारह। तो के मान हमारे पास क्या आ गए माइनस दो और बारह, ये क्या है के की वैल्यू। बाकी इसके क्वेश्चन जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार से करना है, सारणी का प्रयोग कर के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु श्रेणी दिए। अब उस फोर्थ क्वेश्चन में उसने आपको बिंदु श्रेणी बोल रखा है, बिंदु श्रेणी बोल रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल रखते चलोगे शून्य के, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल रखते चलोगे शून्य के। बाकी सारणी वाला सेम रूल। पांचवा क्वेश्चन देखें तो यदि बिंदु दे रखे हैं इसमें श्रेणी को, तो x का मान क्या करो, बिंदु श्रेणी है तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल रखो शून्य के। तो आपके पास किसकी वैल्यू आई है इसमें x की वैल्यू पूछी है, तो आपके पास x की वैल्यू। तो पांच क्वेश्चन तक आप इसके खुद करो, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।